Hey everyone, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो एंड फ्लिपकार्ट का कंपैरिजन। ये दोनों ही लेंगे दोनों ही वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, बट मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स से मंगाया ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी वाली का बेस्ट है, यानी कौन सी वाली वेबसाइट का बेस्ट है। इसलिए मैंने आपके साथ आज ही मेरी वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये रेडवन लहंगा, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। कपड़ों के लिंक यानी कि इन लहंगों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी तो आप वीडियो में देख ही लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस वन लहंगा। ये है रेड कलर का लहंगा जो कि कुछ इस टाइप का है। पिक में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, पर देखने में मुझे इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। आपको भी मैं भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ही कुछ इस टाइप का है। आई थिंक आपको वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है, टोमेटो रेड है। तो यहाँ पर ये जो बहुत अच्छा सा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है। यू कैन सी ये अनस्टिच है, बाकी तो इसमें पैटर्न दिया हुआ है। इस टाइप का ब्लाउज सिलवा सकते हो। ब्लाउज के कपड़े की मैं बात करूँ तो टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये फ्रंट है, ये बैक साइड है, एंड देन ये स्लीव्स है। एज यू कैन सी ये स्लीव्स है, जब आप पहनोगे तो इस टाइप से इस टाइप से आपकी जो स्लीव्स है वो आएंगी, एंड ये कुछ इस टाइप का लगेगा जैसे कि आप देख रहे हो। कपड़े की बात करूँ तो कपड़ा ओवरऑल ठीक ठाक है, क्योंकि 500 रुपए के अंदर 400-500 रुपए के अंदर आपको इस टाइप के लहंगे मिल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। तो साथ में यहाँ पर है एक दुपट्टा रिसीव हुआ है जिसके अंदर इस तरह की लेस का वर्क हो रखा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर मैं इस दुपट्टे की लेंथ की बात करूँ तो दुपट्टे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। दुपट्टे की क्वालिटी भी ओवरऑल ठीक ठाक ही है। सो अब मैं आती हूँ मेन जो है हमारा लहंगा, ये कुछ इस टाइप का है जो कि मीशो पे से मैंने मीशो से लिया है। मीशो से कौन सा वाला लिया है मुझे ये भी याद नहीं है कि रेड वाला है कि मरून कि दूसरा वाला है, तो आप खुद स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस टाइप का है। फ्लेयर की बात करूँ तो फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिस टाइप का पिक्चर में शो हो रहा है उस टाइप का ही है फ्लेयर। और काफ़ी अच्छा खासा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्लेयर है सारा, बहुत अच्छा फ्लेयर इन्होंने दिया हुआ है। ओवरऑल ये बेल्ट है इस टाइप से, आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर इस लहंगे की बात करूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है ये वाला जो कि ग्रे कलर का, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है कलर, ग्रे कलर का मैंने कभी लिया भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ चोली की बात करूँ तो चोली कुछ इस टाइप की है। एज यू कैन सी पूरा कपड़ा इसमें दोनों दिया हुआ है, एक से डेढ़ के एक मीटर के अंदर है, पर चौड़ाई काफी ज्यादा अच्छी है। ये फ्रंट और बैक है, एज यू कैन सी ये फ्रंट और स्लीव्स यहाँ से आप निकलवा सकते हो, और प्लेन इसकी बैक है। कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एज यू कैन सी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पे ग्रे कलर की एक लेस के साथ दुपट्टा रिसीव होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट हम बातें आते हैं लहंगे के ऊपर, जो कि लहंगा कुछ इस टाइप का है, जिसकी अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ तो ये कुछ इतना इसका फ्लेयर है। सो ये इसका फ्लेयर है, इसका फ्लेयर काफी ज्यादा कम है, जितना इसके अंदर फ्लेयर है उसका डबल इस रेड वाले के अंदर है। तो मुझे रेड वाला ज्यादा पसंद आया, बट कलर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कलर दोनों ही बहुत प्रिटी है, बट मुझे सबसे ज्यादा एक ग्रे वाला पसंद आया है। बट इसका घेर थोड़ा सा कम है, जैसे जिसको स्क्रीन पर दिखाया गया है उस टाइप का इसका सेम टू सेम रिसीव हुआ है। तो ओवरऑल मुझे दोनों ही पसंद आए हैं, बट अगर मुझे ज्यादा फ्लेयर चाहिए तो मैं रेड वाले के साथ जाना चाहूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें। बाय।